अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हम सब लोग, जहाँ पे हम करने वाले हैं CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मिड टर्म की प्रिपरेशन। और आज की हम इस वीडियो के इस पार्ट में हम 1 से लेके 10 लेक्चर्स को कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम 11 से लेके 18 तक के लेक्चर्स को कवर करेंगे। अब यहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चंस को करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस को करेंगे, और अपने MCQs को कवर करेंगे, और हम सारी यहाँ पे डिटेल है और जितने कंसेप्ट हैं इन सबको क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, हम करेंगे बिल्कुल ईजी वे के साथ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। हमारे पास सबसे पहला आएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और डेटाबेस की सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कि डेटाबेस है क्या चीज़। तो नीचे आते हैं। वैसे तो यहाँ पे इसके 7-8 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, लेकिन आप इनमें से कोई एक करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास इजी कौन सी है। हमारे पास है अ डाटा स्ट्रक्चर डेट स्टोर मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा, मोर जनरली वी कैन से एंड ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक्चुअली में जो डेटाबेस होती है ना, वो किसी भी इंफॉर्मेशन का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन वे होता है। ठीक है, कि आपने उस जो इन्फॉर्मेशन गेन की है उसको किस तरीके से आपने अपने कंप्यूटर में स्टोर किया है, और कंप्यूटर में स्टोर करेंगे तो ज़ाहिर है कि आप बाइनरी फॉर्म में कर रहे होंगे। ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप अपने डाटा को बाइनरी फॉर्म में अगर कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो हम इसको डेटाबेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका जो डाटा स्टोर है वो आपके मेटा डाटा को स्टोर करता है। मेटा डाटा क्या होता है? डाटा अबाउट डाटा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले आप लोगों के पास जाके उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन उसके बाद वो जो आपने इन्फॉर्मेशन ली होगी उसके अकॉर्डिंगली भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, तो इस चीज़ को हम मेटा डाटा बोलते हैं। तो आई थिंक आप ये डेफिनेशन करें या ये करें, आ डाटा स्ट्रक्चर डेटा स्टोर मेटा डाटा डाटा अबाउट डाटा, मोर जनरली वी कैन से एंड ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी कि डाटा स्ट्रक्चर जो कि मेटा डाटा को स्टोर करता है, और मेटा डाटा क्या होता है? डाटा अबाउट डाटा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है इसको हम डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। कुछ चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटराइज मार्केट फॉर्मेट, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन का ऑर्गेनाइज कलेक्शन जो कि आप कंप्यूटर के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, इस चीज़ को हम डेटाबेस बोलते हैं। तो लेट्स देखते हैं कि डाटा किस तरीके से होता है। डाटा इस तरीके से आपके पास हो सकता है। ठीक है, कई वे से होगा जो आगे जाके आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक पैराग्राफ टेबल हो सकता है, जैसे क्रिकेट प्लेयर है तो यहाँ पे कंट्री नेम डेट ऑफ बर्थ उसकी आगे सारा डाटा लिखा हुआ है। स्कॉलर्स हैं, नेम लिखी हुई, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि एक यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और इसके आगे उसको सारा मेटा डाटा लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो लेक्चर नंबर 1 है इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लेक्चर नंबर 2 में आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर से आपको यहाँ पर डायग्राम्स की सूरत में आपको ज़्यादा समझ लगेगी। तो हमारे पास ऐसा होता था कि पहले हमारे पास इस तरीके से डाटा होता था। ठीक है, जो लाइब्रेरी का डाटा है वो लाइब्रेरी के बॉक्स में जाता था, एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन के बॉक्स में, रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन में। यानी कि जिस भी टाइप का हमें डाटा कलेक्ट करना होता था ना, वो उसके अपनी ही बॉक्स में जाता था। आप कह सकते हैं कि उसका अलग से कम्बिनेशन होता था। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस होता था, इसमें हम ना डाटा शेयर कर सकते थे, इसमें ना डाटा की इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी, कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि ये अलग अलग बॉक्स में हमें डाटा को स्टोर करना पड़ता था। लेकिन हम आगे आते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि बाद में क्या हुआ। ये देखिए, बाद में ऐसा हुआ कि एडवांटेज ऑफ डेटाबेस अप्रोच आ गई। इसमें क्या हुआ कि आपका लाइब्रेरी का डाटा भी एक बॉक्स में आ गया, एग्जामिनेशन का भी, रजिस्ट्रेशन का भी। ठीक है, जितना भी हम डाटा अब कलेक्ट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स में आ जाता है। यहाँ पर आपके पास जो हमारे पास जो यहाँ पे दूसरी पहली डेफिनेशन थी हमारे पास डेटाबेस की जो हमने कर ली है, दूसरा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा शेयरिंग। अब एक बॉक्स में आ गया है हमारे पास डाटा, तो डाटा को हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डाटा शेयरिंग, दूसरा है हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंस, इसको हम वैसे ही देख लेते हैं, इनके सारी डिटेल में लिखा हुआ है, और तीसरा है कंट्रोल रिडेंसी, और बेटर डाटा इंटीग्रिटी। चले इसे हम डीपली पढ़ लेते हैं। अब आपके पास अगर शॉर्ट में आए तो आपने सिर्फ ये 4 बता देने हैं कि ये इसके एडवांटेज हैं कि डाटा शेयर होता है, रिडेंसी कंट्रोल हो गई है, इंटीग्रिटी बेटर हो गई है, और इंडिपेंडेंस भी हो चुकी है। सबसे पहले डाटा शेयरिंग हमारे पास है, द डाटा फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन आर सब सिस्टम्स इज प्लेस एट द सेम टाइम। ठीक है, जो हमारे पास डाटा होता है ना, मुख्तलिफ एप्लीकेशन का जो डाटा होता है उसको हमने एक प्लेस में रखा होता है। अब इसमें हमें जो नई टेक्नोलॉजी, इसमें ये बेनिफिट है कि हम इस डाटा को दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हैं। पीछे पहले नहीं हम कर सकते थे, क्योंकि डाटा पहले ही सेपरेटली पड़ा होता था, अब कंबाइन है तो हमें इसको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कर सकते हैं। इसको शार्टली पढ़ना है क्योंकि इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता है, शार्ट होता है, तो इसलिए हम शार्ट शार्ट इसका करेंगे। डाटा इंडिपेंडेंस की है, ये हमारे पास है कि अब हमारे पास डाटा एंड प्रोग्राम्स आर इंडिपेंडेंट फॉर ईच अदर, सो चेंज इज वंस हैज नो आर मिनिमम इफेक्ट ऑन द अदर। ठीक है, हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंस हो चुका है। अगर हम किसी डाटा के किसी एक पार्ट को चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत ज़्यादा मिनिमम होगा।
तो ये डाटा की इंडिपेंडेंसी होगी। इसके बाद है कि रिडंडेंसी भी कंट्रोल हो गई है, इसका मतलब है कि हमें अब डुप्लीकेट फाइल्स रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ऐसा होता था कि सबसे पहले जो एक एग्जामिनेशन वाले को जो एक डाटा चाहिए होता था वो अपने बॉक्स में रखता था, उसके बाद आगे वाले को जो डाटा चाहिए होता था वो अपने बॉक्स में रखता था, यानी कि वही डाटा सेम होता था लेकिन दो जगह पे पड़ा होता था। लेकिन अब ये क्या है कि ये सारा डाटा एक ही बॉक्स में है, तो इसकी जो डुप्लीकेशन है वो ख़त्म हो गई है, यानी कि एक ही चीज़ को हम सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, निकाल कर सकते हैं। इसके बाद है कि हमारी जो इंटीग्रिटी है, ठीक है, वो भी अब बढ़ चुकी है, यानी कि डाटा जो है अब हमारा मैनेज होता है DBMS में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि वो डाटा को फुल तौर पे चेक करता है सबसे पहले, तो इसमें सिक्योरिटी जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा हल हो चुकी है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 जिसको हमने कवर कर लिया है। अब हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 की तरफ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास डाटा की डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास हो सकता है। तो डाटा एंड इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे, इसको डिटेल में हम देखते हैं। आप सिंपल सा देख लें कि हमारा जो डाटा है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये हमारा फ्रंटेंड होता है। आगे जाके आप फ्रंटेंड और बैकेंड के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस तरीके से ये हमारी स्क्रीन ज़ाहर हो रही है ना, जिस तरह ये देखें, मैं प्लस कवर के क्लिक कर रहा हूँ तो ये प्लस हो रहा है, माइनस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये माइनस हो रहा है, ठीक है, ये हमारा फ्रंटेंड है। लेकिन ये प्लस के ऊपर क्लिक करने से ये जूम क्यों हो रहा है, इस चीज़ को हम अपने बैकएंड में डिज़ाइन कर रहे होते हैं। और ये जो बटन लगा रहे हैं हम, ये प्लस का जो बटन लगा हुआ है ये हमने फ्रंटएंड में लगाया है, तो इसकी डीपली हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है इसकी डेफिनेशन डेटाबेस एप्लीकेशन की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास इसकी ये डेफिनेशन है। डेटाबेस एप्लीकेशन इज अ प्रोग्राम आर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स विच इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशन ऑन द डाटा स्टोर इन द डेटाबेस। हमारे पास जो डेटाबेस की एप्लीकेशन है वो एक प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ प्रोग्राम्स का ग्रुप हो सकता है जो कि मुख्तलिफ ऑपरेशन ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है। अब वो ऑपरेशन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है कि इंसर्शन ऑफ डाटा इन टू अ डेटाबेस आर एक्सट्रैक्टिंग सम डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, यानी कि हम अपने डाटा में कुछ ऐड भी कर सकते हैं, उसमें से कुछ डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं, यानी कि उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, डाटा को आउटपुट के तौर पर प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है, और किसी स्क्रीन के ऊपर हम उसे आउटपुट भी दे सकते हैं। जिस तरीके से ये PDF की फाइल खुली हुई है और ये मैं वो इसका आउटपुट जो है वो दिखा रहा हूँ, इस तरीके से हम डाटा को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि डाटा, आप सिंपल इसकी डेफिनेशन कर लेंगे कि डाटा बेस इज अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स विच इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग सच ऑपरेशन। उसके बाद आप आगे ये लिख सकते हैं, इंसर्शन ऑफ डाटा इन टू डाटा बेस, एक्सट्रैक्टिंग डाटा इन फ्राम द डाटा बेस। आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन रॉन्ग नहीं होती, ठीक है, आपने कंसेप्ट को समझना है, आप अपने अंदाज में लिख सकते हैं। ये देखें, उसके बाद डाटा अपडेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट के तौर पे, ठीक है, ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या चीज़ है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ कलेक्शन ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। अब हमारे पास जो मेन हमारी बुक है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट, और यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि छोटे छोटे स्मॉल प्रोग्राम से बना होता है और वो ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब कौन से दो ऑपरेशन हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ डाटा इन द डेटाबेस, दूसरा है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ यूज़र एसोसिएटेड विद द डेटाबेस। इसको डीपली देखते हैं कि ये इसका क्या मतलब है। अब है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ डाटा इन टू डेटाबेस, इसका क्या मतलब है। मैनेजमेंट ऑफ डाटा मीन्स टू स्पेसिफाई डैट हाउ डाटा विल बी स्टोर्ड स्ट्रक्चर्ड एंड असेस्ड इन द डेटाबेस, ठीक है। अब मैनेजमेंट ऑफ डाटा का मतलब है कि जो हमने डाटा को कलेक्ट किया है उसको हमने स्टोर किस तरीके से करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है और उसको बाद में असेस कैसे करना है डेटाबेस में। ये देखें, ठीक है, ये हमने डाटा लिया है, अब इसको हमने डिज़ाइन किस तरीके से किया है, अब इसको स्टोर हमने अपनी कौन सी फाइल में करना है जाके, उसके बाद उसको एक्सेस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डीपली भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्वेश्चंस यहीं पर से पूछे जाएंगे। अब ये था हमारा मैनेजमेंट कि डाटा को हमने मैनेज किस तरीके से करना है। दूसरा है कि मैनेजमेंट ऑफ डाटा बेस यूज़र, अब यूज़र को भी मैनेज हमने करना है। अब इसका मतलब है कि मैनेज द यूज़र इन सच अ वे दैट दे कैन परफॉर्म एनी डिजायर ऑपरेशन ऑन द डाटा बेस, कि यूज़र जो है वो डेटाबेस के ऊपर कोई भी जो ऑपरेशन है वो अपनी मर्ज़ी से कर सके। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक डेटाबेस बना हुआ है तो मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर से जूम आउट कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी फाइल को सेव कर सकता हूँ, मुख्तलिफ ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो यही डेटाबेस का होता है कि यूज़र के लिए आसानी पैदा करे कि वो अपनी मर्ज़ी के सब चीज़ें यहाँ पर कर सके, ठीक है। इसके बाद DBM ये भी इंश्योर करता है कि जो यूज़र है वो कोई भी जो भी ऑपरेशन जो है वो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है ना यूज़र, वो उसके ऊपर नज़र रखता है, ठीक है, और वो उसको इस चीज़ का पता होता है कि यूज़र कोई भी ऐसी एक्शन ना ले, ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म ना करे जो कि अलाउ नहीं होता है।
एंड ऑल्सो एन अथोराइज यूजर इज़ नॉट अलाउड टू परफॉर्म एनी एक्शन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू डैट यूज़र, और अथोराइज यूज़र जो बाहर का यूज़र है वो भी इस चीज़ को नहीं एक्सेस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। अब डेटाबेस सिस्टम के हमारे पास और कौन से एडवांटेजेस हैं, तो अगर शार्ट में आए तो आप सिर्फ ये इनमें से दो तीन लिख सकते हैं, कोई भी आप याद कर लें। डाटा कंसिस्टेंसी, बेटर डाटा सिक्योरिटी, फास्ट डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशंस, इकोनॉमी ऑफ स्केल, बेटर कंकरेंसी कंट्रोल, इसको डिटेल पे हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपके पास शार्ट में क्वेश्चन आए तो आप ये लिख सकते हैं, और ये MCQs भी आप देख लें, साथ साथ जो मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ इन्हीं में से आपको MCQs भी आएंगे। डाटा कंसिस्टेंसी हमारे पास क्या है, डाटा कंसिस्टेंसी मीन डेट ऑल द चेंजेस मेड टू डिफरेंट अकरेंस ऑफ डाटा शुड बी कंट्रोल एंड मैनेज इन सच अ वे डेट ऑल द अकरेंस हैव सेम वैल्यू फॉर एनी स्पेसिफिक डाटा आइटम। डाटा कंसिस्टेंसी लीड टू अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट रिजल्ट। डेटाबेस अप्रोच इज कंट्रोल बिकॉज डाटा इज शेयर्ड एंड कंसिस्टेंसी इज कंट्रोल एंड मेंटेन। अब हमारे पास डाटा कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि जब हम अपने डाटा में चेंजिंग करते हैं, ठीक है, हम अपने चीज़ें डाटा को चेंज कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो वो कंट्रोल और मैनेज होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो आप चेंजिंग कर रहे हैं, जो डाटा उसमें ऐड कर रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि वो जो डाटा आप ऐड कर रहे हैं ना, वो जो पहले से पड़ा हुआ डाटा है ना, वो उसी की काइंड का हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे आप इंटीजर नंबर को चूज़ कर रहे हैं, इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, और दूसरे होते हैं हमारे पास स्ट्रिंग नंबर्स, जो कि अल्फाबेटिकली अली, हसन, मारिया, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी कोशिश करनी है कि अगर इंटीजर्स में आपका डाटा पहले से पड़ा हुआ है तो आप इंटीजर्स ही करें, इंटीजर्स उसके अंदर ऐड करें, ठीक है। 1, 2, 3 अगर पड़ा हुआ है तो आप कोशिश करें कि 4, 5, 7 इस तरीके के वर्ड ही डाटा के अंदर जो है वो स्टोर हो, स्ट्रिंग डाटा ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है बेटर डाटा सिक्योरिटी। ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एक्सेस थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी वेरी इफिशेंटली चेक दैट ईच यूजर इज परफॉर्मिंग विच ऑपरेशन एंड असेसिंग विच पार्ट ऑफ डाटा। अब जो भी हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को असेस करते हैं तो वो जा रहा है कि हम अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए ही असेस कर रहे होते हैं, तो हमारा जो DBMS होता है ना, वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, ठीक है। वो अपने यूज़र को बहुत ज़्यादा चेक करता है और वो देख रहा होता है कि जो मेरा यूज़र है वो कुछ गलत एक्शन तो परफॉर्म नहीं कर रहा, और जो वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो डाटा के किस पार्ट में कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जो DBMS है हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देता है। नेक्स्ट हमारे पास फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। द डेटाबेस एनवायरनमेंट अलाउ अस फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जो हमारे पास डेटाबेस का एनवायरनमेंट है ना, ये हमें हमारी जो डेवलपमेंट है उसको फास्ट कर दिया है इसने। तो आपने इसको डीपली नहीं जाना, आप सिंपल सिंपल की जो चीज़ आपको समझ आ रही है ना, उसी चीज़ को आपने देख के एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये लॉन्ग में भी आएंगे तो आप एक दो लाइन ही लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल। डेटाबेस एंड डेटाबेस सिस्टम आर डिजाइन टू शेयर डाटा स्टोर्ड इन वन लोकेशन फ्रॉम मैनी अदर लोकेशंस, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि इकोनॉमिक स्केल का मतलब है कि जो डाटाबेस में हमारा डाटा जो है वो स्टोर हुआ जो डाटा है, अब हम उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में अब हम सेंड भी कर सकते हैं, पहले हम नहीं कर सकते थे। इसके बाद है बेटर कंकरेंसी कंट्रोल। अब कंकरेंसी कंट्रोल का क्या मतलब है कि कंकरेंसी कंट्रोल मीन्स टू असेस द डाटाबेस इन सच अ वे डैट ऑल द डाटा असेसिंग आर कंप्लीटेड करेक्टली एंड ट्रांसपेरेंटली, ठीक है। अब कंकरेंसी का ये मतलब है कि जो भी डाटाबेस को जो हम एक्सेस कर रहे हैं जिस डाटा को, वो हमारा कंप्लीट भी है, ठीक है, वो करेक्ट भी है। हमने उस चीज़ को भी चेक करना होता है कि जिस चीज़ को हम असेस करना चाह रहा है हमारा यूज़र, वो ठीक भी है आगे जो पड़ा हुआ डाटा, ये ना कि वो असेस करे और आगे जो डाटा है वो रोंग पड़ा हो। ये यहाँ पे हमारे पास है कि ऑल ATM मशीन्स ऑफ अ बैंक आर इंटरकनेक्टेड टू अ सेंट्रल डाटाबेस मैनेजमेंट वर्ल्ड वाइड। तो हमारे पास जितनी भी ATM मशीन्स होती हैं वो डाटाबेस के साथ इंटरकनेक्ट होती हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। आपने इसलिए देखा होगा कि अगर हमारा SBL में अकाउंट है तो हम अपना क्रेडिट कार्ड कहीं से भी जाके विड्रा कर सकते हैं अपने पैसे, ठीक है। आप UBL में जाएं, आप मिजान बैंक में जाएं, आप कहीं पर भी जाएंगे ना तो आपका क्रेडिट कार्ड आपको पे कर देगा। वहाँ की मशीन में आप जाके अपना कार्ड पुट करेंगे तो आप वहाँ पर से भी अपनी रकम जो है वो निकलवा सकते हैं। तो यही हमारे पास बेटर कंकरेंसी के जो हमारा डाटा होता है ना वो कंट्रोल होता है। इसके बाद बैकअप है। डाटा जो है ना, डाटा बेटर बैकअप एंड रिकवरी फैसिलिटीज़। डाटा जो है ना अब हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है, तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारा जो डाटा का बैकअप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसके लिए हम हार्ड डिस्क को यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो ये भी फैसिलिटी हमें डाटाबेस प्रोवाइड करता है। इसके बाद है कि हाई कॉस्ट। ज़ाहिर है कि सिस्टम डेटाबेस सिस्टम की जब ये इतनी फैसिलिटी हमें दे रहा है तो उसकी जो कॉस्ट है वो हाई होगी। इसके बाद एक कन्वर्जन कॉस्ट। वन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिसाइड टू टॉप डेटाबेस फॉर ऑपरेशन, इट डस नॉट ओनली फाइनेंस एंड टेक्निकल मैन पावर।
ठीक है, हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये सोच लिया है कि वो अपना सारा डाटा जो है वो डेटाबेस कर लेगा, देन अब उसके लिए फिनांस और मैन पावर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आपके पास पैसे जो होंगे, कॉस्ट भी उसके ऊपर लगेगी, अब उसके ऊपर आपके पास मैन पावर भी होनी चाहिए। ठीक है, बंदे भी उसके ऊपर होने चाहिए जो उसके ऊपर वर्क कर रहे हों, वर्कर जो कि डाटाबेस को अब मैनेज कर रहे हों। ठीक है, तो इसके लिए कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है और कन्वर्जन कॉस्ट भी हमारे पास पड़ जाती है। हमारे पास है डिफिकल्टी रिकवरी प्रोसीजर। तो यहाँ पे हमारे पास है कि ये चीज़ तो हमारे पास ठीक है कि डाटाबेस का सिस्टम जो है, मैनेजमेंट का सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा इफ़िशेंट है डाटा रिकवरी में। लेकिन आप ये बात याद रखें कि अभी भी एक मसला ये है कि अगर डाटा क्रैश हो जाए तो रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है डाटाबेस के अंदर। इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ दी हुई हैं, यानी कि अगर तो आपके पास आपने सारी सिक्योरिटीज़ को परफॉर्म किया हुआ है तो हो ही नहीं सकता कि आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो। आपने USBs इस्तेमाल की हुई हैं, आपने हार्ड डिस्क रखी हुई हैं अपने बैकअप के लिए, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका किसी वजह से डाटा क्रैश हो जाता है तो इसको वापस लेके आना, अगर आपके पास बैकअप भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा। डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है? अ रिसोर्स इज एनी थिंग विच इज़ वैल्यूएबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास जो डाटा है ना, वो आप ये सोच लें कि आपके पास अब कोई वैल्यूएबल चीज़ है। अब किसी बंदे के पास कोई डाटा होता है ना, तो इसे प्रोडक्ट के तौर पर अब यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, और दूसरे बंदे के पास डाटा पड़ा है, सॉफ्टवेयर बना पड़ा है, तो वो उसकी अब ओनरशिप हो चुकी है। ठीक है, बिल्डिंग वाले बंदे की तो बिल्डिंग अपनी है, जिस तरीके से वो अपनी ओनरशिप दिखाएगा ना कि ये मेरी है, इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर बता भी ये ओनरशिप दिखाएगा कि ये सॉफ्टवेयर मेरा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि दुनिया के रिच जितने भी लोग हैं वो कोई प्रॉपर्टी वाले नहीं है, वो सॉफ्टवेयर वाले हैं। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट के ओनर को देख लें, अब जेफ बेजोस को देख लें, अब किसी को भी देख लें, तो वो सब सॉफ्टवेयर के ऊपर बने हुए हैं। उनकी अपनी बिल्डिंग ब्लॉक्स की वजह से वो अमीर नहीं हुए, अमीर होने के बाद उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लेकिन पहले से वो सॉफ्टवेयर की वजह से ही यहाँ पे ग्रो हुए हैं। अब फेसबुक के ओनर को देख लें, तो उनके पास अब जो डाटा है ना, वो अब एक वैल्यूएबल थिंग हो चुकी है। तो ये हमारे डाटा की इंपॉर्टेंस बहुत इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है। वही चीज़ यहाँ पे हमारे पास बताई गई है, जिस तरीके से बिल्डिंग फर्नीचर व्हीकल होता है, इसी तरीके से अब हमारा डाटा हो चुका है। इसके बाद आ जाते हैं लेवल्स ऑफ डाटा। रियल वर्ल्ड डाटा क्या होता है? रियल वर्ल्ड डाटा कोई ऐसी चीज़ होती है जो हकीकत में मौजूद होती है। आप कह सकते हैं कोई भी स्टूडेंट, कोई बिल्डिंग, कोई भी चीज़ जो मौजूदा हो, उसको हम रियल वर्ल्ड डाटा बोलते हैं। मेटा डाटा होता है कि जो चीज़ हमारी हमारे पास मौजूद है। पढ़ लेते हैं, फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा रिलेटेड टू एनी एंटिटी आर ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग एट रियल वर्ल्ड, वी डिफाइन डैट द वे द डाटा विल बी स्टोर्ड इन द डाटा बेस। ठीक है, वही मेटा डाटा के जो डाटा के अकॉर्डिंग डाटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अब एज हमने स्टोर करना है, तो हमने देखना है कि इसका डाटा टाइप क्या होगा, इसमें कितने बिट साइज होंगे। ठीक है, तो डाटा अकॉर्डिंगली, डाटा डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। तो गाइस, ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसको हमने कवर किया है। यहाँ पर से आप थोड़ा सा और भी कर सकते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो बंदा इस प्रोग्राम को बना रहा होता है, एंड यूज़र जो बंदा यूज़ कर रहा होता है, अब नेव यूज़र कौन से होते हैं जो इस अब ये वो लोग होते हैं जो कि डाटाबेस को यूज़ कर रहे होते हैं। अब एक बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये वो बंदा होता है नेव यूज़र जिसको बिल्कुल ही नहीं पता। फॉर एग्जांपल, आप जो दुकान पे बैठा बंदा होता है, वो ऐप को इस्तेमाल करता है, उसमें हिसाब किताब ऐड कर देता है, उसको ये नहीं पता कि ऐप क्या चीज़ है, बस अपने काम जानता है कि इसमें ऐसे ऐड करना है, ऐसे निकालना है। अब जो सोफिस्टिकेटेड यूज़र होता है, बस उसको थोड़ा बहुत पता होता है, ज़्यादा नहीं पता होता। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसको हमने कवर किया है। इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस और भी हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है DBA की, कि DBA बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, बैकअप की उसकी होती है, मेंटेनेंस की उसकी होती है, मॉनिटरिंग जॉब्स की उसकी होती है, ये उसकी जो है वो जिम्मेदारी बताई गई है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हम डेटाबेस के आर्किटेक्चर को देखने वाले हैं, तो इसमें आपको कुछ भी रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं आएगी, इसमें आपसे सिर्फ पूछा जाएगा डायग्राम्स के बारे में। तो इसमें आपको कुछ भी थ्योरी टाइप कुछ भी नहीं आएगा, तो आपको डायग्राम के बारे में पूछा जाएगा। तो सिर्फ हम इनमें डायग्राम्स और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी हम उसको रीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डेटाबेस का आर्किटेक्चर को, क्योंकि डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो चलिए नीचे चलते हैं। अब ये डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है ना, ये सिर्फ डेटाबेस का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन का ये डेटाबेस नहीं है, एप्लीकेशन का ये प्रोसीजर नहीं है, ये सिर्फ जो डेटाबेस के अंदर जो चीज़ हो रही है ना, ये उसका उसका है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि डेटाबेस जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होता है, इंटरनल लेयर में, कंसेप्शनल लेयर में,
लेवल में और एक्सटर्नल लेवल में, ठीक है। तो सबसे नीचे हमारे पास फिजिकल डाटा होता है। हम नीचे जाएंगे, इसकी डायग्राम से मोस्ट एडवांस होती जाएगी, वहाँ पे आपको सारी क्लियरली समझ लग जाएगी। आप इस डायग्राम से सिर्फ ये देखें कि हमारा जो डाटा है वो तीन लेयर्स पे डिवाइड हो रहा है, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्शन लेवल और इंटरनल लेवल। आप इन तीनों की नाम याद रखेंगे, ये नाम आपके आते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और दूसरी डायग्राम्स में जाके देखते हैं कि ये देखें। अब ये जो होती है हमारे पास, ये हमें डाटा नज़र आ रहा होता है, ठीक है। जिस तरीके से आपको ये मेरे कंप्यूटर की ये स्क्रीन नज़र आ रही है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि ये यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डाटा नज़र आता है ना, वो इसका होता है। डेटाबेस इसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक्सटर्नल लेयर है और लोअर लेयर्स हैं। और नीचे चलते हैं, देखते हैं इसको। अब ये देखें, हमारा डाटा यहाँ पर से हमारा डेटाबेस स्टार्ट हो रहा है। ये चीज़ है, ये डाटा जो यूज़र को नज़र आता है। उसके बाद आती है हमारी एक्सटर्नल लेयर, उसके बाद होती है हमारी कंसेप्शनल लेयर। नीचे जाएंगे और एडवांस हो जाएगा। अब कंसेप्शन लेयर में आप देखें तो हमारे पास जो बेसिक डाटा के टेबल्स हैं वो इसमें स्टोर होते हैं। हमारी थ्योरीज, SQL, आप आगे जाके जो चीज़ें पढ़ेंगी वो हमारी कंसेप्शनल लेयर में स्टोर हो रही होती हैं, जहाँ पर ये टेबल्स और इनके अकॉर्डिंगली डाटा जो है वो यहाँ पे हमारे पास स्टोर हो रहा है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे, ये अगेन वही चीज़ आ गई। ये देखें, अब इस डायग्राम में सब कुछ क्लियर हो चुका है। हमारे पास वो जो तीन लेयर्स थी वो ये वाली लेयर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वाला डाटा जो है ये यूज़र को दिखाई दे रहा है। आपसे वो पूछ सकते हैं कि इस तरह के डायग्राम के यूज़र को दिखाई देने वाला डाटा इनमें कौन सा है, तो यूज़र वाला डाटा ये है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कंसेप्शनल लेयर आ जाती है, जो कि इस चीज़ को स्टोर कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो रेल की चीज़ें होती हैं, जैसे राना असलम है, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके जितनी भी रोल नंबर्स वगैरह, इस सारी चीज़ें जो अल्फ़ाबेटिकली स्टोर करनी है वो हमारी इस लेयर्स में हो रही होती हैं। उसके नीचे हमारी आ जाती है अब बाइनरी लेयर, ठीक है। बाइनरी लेयर, अब ये चीज़ जो है कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रही है, ये चीज़ बन रही है डिज़ाइन के अंदर। उसके बाद हमारा डाटाबेस कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है यहाँ पे बाइनरी के अंदर, और बाइनरी के अंदर जाके ये चीज़ स्टोर हो रही है। ये हमारी लास्ट लेयर आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आएगा ये डाटा इंडिपेंडेंस, जो हमने ऊपर भी पढ़ी थी। मैंने आपको बोला था कि लेक्चर नंबर 2 आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस नहीं करना। एंड अगेन एक और बात, कि अगर आपको कोई भी असाइनमेंट और क्विज चाहिए हो जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन बस एक छोटी सी शर्त है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और आपने वीडियो वो फुल देखी हो। देन आप मुझे उसका स्क्रीन शॉट सेंड करें तो मैं आपको असाइनमेंट क्विज वगैरह वो फ्री में सेंड कर दूँगा। हमारे पास यहाँ पर डाटा बेस इंडिपेंडेंस क्या चीज़ होती है। डाटा इंडिपेंडेंस इज अ मेजर फीचर ऑफ द डाटा बेस सिस्टम एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द 3-लेवल डाटा बेस आर्किटेक्चर। डाटा इंडिपेंडेंस हमारे डाटा बेस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारे पास डाटा की इंडिपेंडेंस नहीं होना, तो आप ये समझ लें कि वो हमारे पास किसी काम का नहीं है डाटा बेस, ठीक है। अब इसमें है क्या, एज इट हैज़ बीन डिस्कस्ड ऑलरेडी डैट द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम मेक द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द डाटा डिपेंड ऑन ईच अदर। यहाँ पे हम पहले ही ये चीज़ बता चुके हैं कि जो हमारा फाइल प्रोसेसिंग का सिस्टम है ना, वो एक एप्लीकेशन के प्रोग्राम को बनाता है, ठीक है। और जो हमारा जो डाटा होता है ना, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम इसमें चेंजिंग कर देते हैं, ठीक है, तो लाजमी सी बात है कि हमें उसके दूसरे पार्ट में भी चेंजिंग करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे हमें चेंजिंग करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे आप देखें, द 3-लेवल आर्किटेक्चर फैसिलिटीज आस इन सच अ वे डैट डाटा इंडिपेंडेंस इज ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस टू द सिस्टम। लेकिन हमारे पास जो 3-लेयर आर्किटेक्चर है ना डेटाबेस, हमारी जो डाटा इंडिपेंडेंस इसने मुझे दिया, ये ऑटोमेटिकली ही सिस्टम को ये चीज़ बता देता है, ठीक है। दूसरे लेवल में हम ये कह सकते हैं कि वी कैन से डैट डाटा इंडिपेंडेंस इज मेजर मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द 3-लेयर ऑब्जेक्टिव। इफ वी डू नॉट हैव डाटा इंडिपेंडेंस, देन वेन एवर देर विल बी चेंज मेड टू द इंटरनल आर एक्सटर्नल। वही चीज़ है कि अब यहाँ पे ऐसा होता था पहले, ठीक है। जैसे पहले हम दूसरी चीज़ में चेंजिंग करते थे, वही चीज़ बार बार थ्योरी में वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे भी लिखी हुई है कि अगर तो हमारे पास डाटा बेस नहीं होता, तो अगर हम एक पार्ट में चेंजिंग कर लेते तो हमें दूसरे में लाजमी करना पड़ता, वरना हम इस पार्ट को एक्सेस ही नहीं कर पाते, हमारी चीज़ें मैच ही नहीं होती। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है हमारी डाटा इंडिपेंडेंस। इसके बाद आती है हमारे पास लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है, कंसेप्शनल मोड है, ठीक है। और लॉजिकल में क्या होता है कि ये हमारे एक्सटर्नल व्यूज़ को अफेक्ट नहीं करता। ये अपने सर्विस में ये याद रखना कि लॉजिकल में ये एक कंसेप्शनल मॉडल होता है जो कि हमारे एक्सटर्नल व्यूज़ को इफेक्ट नहीं करता। अब ये क्या क्या हो सकते हैं, ये जैसे फाइल को डाटाबेस में ऐड करना, किसी नई फाइल के अंदर किसी नई फील्ड को ऐड करना। अब कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड अप करेंगे तो आपको जाहिर है कि आपके एक्सटर्नल व्यूज़ को तो इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा। अब ऐड कर रहे हैं अपनी चीज़, पिछले वाला काम हो रहा है। वहाँ पे हमारे पास दोबारा से ये डेफिनेशन आ चुकी है।
यहाँ पे है हमारे पास अब आ रहे हैं हमारे पास फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस कौन कौन से फंक्शंस कौन से परफॉर्म करता है, तो ये अगर आपके पास शॉर्ट में आ जाए तो आप शॉर्ट में तीन चार यहाँ पर से बता सकते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग करता है, यूज़र असेसेबल कैटलॉग बनाता है, ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है, और कंकरेंसी कंट्रोल सर्विस करता है। तीन चार इनमें से कर लें, लेकिन अगर आपके पास ये लॉन्ग आ सकता है ठीक है। तो हमारे पास एक होती है यूज़र मैनेजमेंट, दूसरी होती है हमारे पास डाटा मैनेजमेंट। मैं आपको लॉन्ग में बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ आ सकती है, ये सारा लॉन्ग में ये सारा हाईलाइट किया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। तो हमारे पास होती है डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, हम फर्स्ट चीज़ को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि डाटा प्रोसेसिंग क्या चीज़ होती है। डाटा प्रोसेसिंग मीन अ नंबर ऑफ थिंग्स, इट मे इंक्लूड सर्टेन ऑपरेशंस ऑन द डाटा सच एज क्रिएशन ऑफ डाटा, स्टोरिंग ऑफ द डाटा इन द डाटा बेस, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द डाटा बेस, डाटा स्टोर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द डाटा इन द डाटा बेस एंड प्लेस ऑफ द डाटा इन अप्रोप्रिएट स्टोरेज सर डिवाइसेस। हमारे पास डाटा मैनेजमेंट होता है, इसका मतलब यह है कि ये बहुत सारे ऑपरेशन जो है ना ये परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम डाटा को इसमें क्रिएट करते हैं, हम डाटा को इसमें स्टोर करते हैं डाटा बेस के अंदर, हम अपने डाटा की अरेंजमेंट करते हैं ठीक है, उसको सही तरीके से रखते हैं, हम इसके बाद अपने डाटा की एक्सेस भी देते हैं डाटा बेस को ठीक है। तो आपके पास ये डाटा प्रोसेसिंग के आपको टास्क आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपके ये टास्क हैं, ये डाटा को क्रिएट करता है, डाटा को स्टोर करता है, डाटा को की अरेंजमेंट करता है, और डाटा बेस को एक्सेस भी देता है ठीक है। और इसके बाद डाटा को अप्रोप्रिएट स्टोरेज डिवाइसेस में जगह भी देता है ठीक है, जगह भी उसकी बनाता है अप्रोप्रिएट स्टोरेज में। उसके बाद हमारे पास आता है यूज़र असेसेबल कैटलॉग। यूज़र असेसेबल कैटलॉग क्या चीज़ है, कैटलॉग इज़ एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन द डीबीएमएस विच स्टोर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ द डाटा बेस, इंक्लूड स्कीमा इन्फॉर्मेशन, यूजर इन्फॉर्मेशन, राइट ऑफ द यूज़र एंड मेनी मोर थिंग्स अबाउट दैट। अब ये जो कैटलॉग होता है ना, ये आप कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट या प्लेस है डीबीएमएस के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन उनको स्टोर करी होती है डाटा बेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है। अब ये इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, ये स्कीमा की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन हो सकती है ठीक है, और जो भी इसके बाद जो डेटाबेस के साथ रिलेटेड थिंग्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हो जाती है ठीक है। तो कैटलॉग वो जगह होती है जहाँ पर ये चीज़ स्टोर हो रही होती है। इसके बाद आती है हमारे पास ट्रांजैक्शन सपोर्ट। ट्रांजैक्शन सपोर्ट क्या होती है हमारे पास, डीबीएमएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रांजेक्शन सपोर्ट। ट्रांजेक्शन इज एन एक्शन डेट इज यूज टू परफॉर्म सम मैनिपुलेटिंग ऑन द डाटा स्टोर इन द डाटा बेस। अब ट्रांजेक्शन सपोर्ट हमारे पास ये होती है कि आपका जो डाटा है ना, अगर उसके ऊपर हम कुछ मैनिपुलेटिंग करें, अब ये एटीएम मशीन में हमारे पास ये चीज़ यूज़ हो रही है कि आपके बैंक के अंदर 1 लाख रुपया पड़ा है, अगर हमने उसमें से 20,000 रुपये निकाल लिए हैं तो ये मैनिपुलेटिंग का प्रोसेस हो गया ठीक है। तो डाटा बेस इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है कि वो आपके बाकी जो डाटा पड़ेगा उसको मैनेज रखेगा ठीक है, उसको कहीं भी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र नहीं होने जाएगा, और सिर्फ आप ऑथोराइज यूज़र ही इसको असेस कर सकते हैं ठीक है, और वो ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है, अनऑथोराइज यूज़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कंकरेंसी सपोर्ट। कंकरेंसी सपोर्ट मीन्स टू सपोर्ट अ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स टू बी एग्जीक्यूटेड सिमल्टेनियसली। अब कंकरेंसी सपोर्ट का मतलब है कि हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट यूज़ हो रहा है वो एक से ज़्यादा बैंक्स के अंदर हो रहा हो, आप एक वक्त में, हो सकता है कि आप एक वक्त में एटीएम से भी पैसे निकाल रहे हो, आप चेक के जरिए भी अपने पैसे निकलवा रहे हो, तो डेटाबेस जो है कंकरेंसी सपोर्ट आपको देता है ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को मैनेज रखता है, यानी कि आप डबलिंग में भी करेंगे तभी वो आपकी चीज़ों को रखेगा। रिकवरी सर्विस क्या होती है, रिकवरी सर्विस मीन डैट इन केस ऑफ डेटाबेस गेट्स एन इनकॉन्सिस्टेंट स्टेट टू गेट करप्टेड ड्यू टू एन इनवैलिड एक्शन ऑफ समवन, द डेटाबेस शुड बी एबल टू रिकवर। अब ये क्या हो गया कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल किसी न किसी वजह से आपका डाटा लॉस हो जाता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है या एकदम लाइट चली जाती है, तो आपके रिसेंट फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, तो हमारा जो रिकवरी सर्विस है ना ये ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ें ठीक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में अक्सर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी मशीन कई बार फंक्शनैलिटी वो नहीं चल रही होती, वो आपको कह रही है कुछ वेट में, तो कुछ वेट में वहाँ पे कोई इंजीनियर आके उसको ठीक नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाती है ठीक है। इसके बाद है डाटा कम्युनिकेशन की सपोर्ट, तो शुड बी एबल टू कम्युनिकेट टू द सेंट्रल डेटाबेस स्टेशन। अच्छा, डेटाबेस जो है वो इस एबल होना चाहिए कि वो हमारे सेंट्रल डेटाबेस स्टेशन के साथ कम्युनिकेट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास डीबीएमएस एनवायरनमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होती है सिंगल यूज़र, फिर होती है मल्टी यूज़र, फिर इसके बाद मल्टी यूज़र की ये तीन टाइप्स हैं। तो सिंगल यूनिट डेटाबेस एनवायरनमेंट क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक बंदा ही एक टाइम के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है ठीक है, एक बंदा है एटीएम से पैसे निकलवा सकता है, आप चेक एक से दूसरे फॉर्म में नहीं निकलवा सकते। मल्टी यूज़र में क्या होता है कि इसमें ज़्यादा बंदे, यानी कि आप ज़्यादा वेज के साथ भी अपने पैसे निकलवा सकते हैं, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आपके ऊपर कुछ दबाव नहीं होगा। टेली प्रोसेसिंग क्या होती है, ये मल्टी यूज़र डाटा टाइप होती है किसी भी सिस्टम प्रोसेसर की,
ठीक है, यहाँ पर जो हमारा जो यूज़र होता है ना, वो सेंट्रल कंप्यूटर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। फाइल सर्वर क्या होता है? ये तब होता है, ये आपके यूज़र को डेटाबेस के साथ इंटरकनेक्ट करने के लिए कनेक्शन को बिल्ड करता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है? दिस पार्ट ऑफ द डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू द डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो डेटाबेस डिज़ाइन है ना, ये डेटाबेस एप्लीकेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और बिकॉज द डेटाबेस इज समथिंग डैट विल होल्ड द ऑर्गेनाइजेशन डाटा इन केस द डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस इज नॉट करेक्ट आर इज नॉट करेक्टली रिफ्लेक्टिंग। यहाँ पे बता रहे हैं कि डेटाबेस जो है वो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को पकड़े हुए होता है। ठीक है, आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है वो आपके डेटाबेस में होता है, और अगर आपका डेटाबेस का आप जो डिज़ाइन है वो ठीक नहीं होगा तो आपका आउटपुट कभी भी ठीक नहीं आएगा, आपको रिजल्ट आपका ठीक नहीं होगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस डिज़ाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपका डेटाबेस डिज़ाइन ठीक नहीं होगा तो आपको आउटपुट जो है वो करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास डेटाबेस डिवेलपमेंट प्रोसेस। तो जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो इसी को हम डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, द डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस मीन द सेम थिंग दैट वी हैव मेंशन एज डेटाबेस एप्लीकेशन। तो जब ये सारा कुछ हमारे पास प्रोसेस हो जाता है, देन हम इस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आप इस डायग्राम को देखें कि ये डेटाबेस का डेवलपमेंट प्रोसेस है। यहाँ पे सबसे पहले प्रीमेनली स्टडी होती है, फिर उसके बाद एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, फिर इसके बाद डीबी का डिज़ाइन बनता है, फिर फिजिकल डिज़ाइन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होती है और मेंटेनेंस होती है। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं होता, हम मेंटेन करते हैं, टेस्ट करते हैं उसके अंदर वो सी चीज़ें, जिस तरह हम लेयर्स में अपना काम करते हैं ना, इसी तरीके से डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस जो है ये भी इसी तरीके से वर्क कर रहा होता है। और यहाँ पर जो चीज़ें मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, इनको पढ़ने की कोई इतनी खास ज़रूरत है नहीं, अगर आप रीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे क्योंकि आपका जो फाइनल टर्म है उसका परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपके मिड टर्म में सिर्फ ज़्यादा आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास टेस्ट सिस्टम। टेस्टिंग इज़ इंपॉर्टेंट इन द सेंस डैट एन एप्लीकेशन मे बी प्रोड्यूसिंग इनकरेक्ट रिजल्ट्स एंड दिस इनकरेंसी में लीड टू द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। सो व्हेन अ सिस्टम डिजाइन इज कम्प्लीट वंस इट इज इम्प्लीमेंटेड इट मस्ट बी टेस्टेड फॉर प्रॉपर ऑपरेशन। यहाँ पे टेस्ट सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि किसी भी प्रोसेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका टेस्ट सिस्टम होता है। अगर आपका जो रिजल्ट है फॉर एग्जाम्पल आपका वो इनकोरेक्ट हो जाता है और आप इनकोरेक्ट रिजल्ट के साथ ही आगे चलते रहते हैं, तो आपका जो डिज़ाइन है वो ठीक है वो ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो प्रोडक्ट है वो उसकी आउटपुट ठीक नहीं आएगी। तो इसलिए ये लाजमी है कि आप अपने टेस्ट के सिस्टम का प्रॉपर ऑपरेशन करें। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट कोई भी चीज़ बनाएं तो उसके ऊपर आप टेस्ट सिस्टम को लाजमी तौर पर अप्लाएं। और तो यहाँ पर हम करने वाले हैं टूल्स के बारे में, टूल्स यूज़ फॉर डेटाबेस डेवलपमेंट। तो यहाँ पे है वाई टूल्स आर यूज, टूल हमारे पास क्यों यूज़ होते हैं। तो टूल्स आर यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द डिज़ाइन प्रोसेस इन स्टैंडर्ड वे। टूल्स हमारे लिए किसी भी डिज़ाइन प्रोसेस को एक स्टैंडर्ड वे में यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब स्टैंडर्ड वे क्या चीज़ होती है कि कोई भी एक इंटरनेशनल वे जिसको सारे डिज़ाइनर जो है वो फॉलो करेंगे। अब अगर कोई एक डिज़ाइनर है वो अपने तरीके से कोई भी डिज़ाइन बना देगा, तो जब वो दूसरे बंदे के पास जाएगा तो उसके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बल्कि इम्पॉसिबल ही होगा, और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड वे को यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस तरीके से बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर की बात कर लें तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही यूज़ करता है। हर मुल्क में, पूरे कंट्री में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक लैंग्वेज यूज़ होती है उसके लिए। तो इस तरीके से ये चीज़ होती है कि एक स्पेसिफिक चीज़ को डिस्क्राइब किया होता है जिसको सब बंदे उसी को फॉलो करते हैं, तो जिसे हमें पता चल जाता है। किसी दूसरे डिज़ाइनर को उसका डिज़ाइन देखेगा तो उसे भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डाटा फ्लो डायग्राम्स। डाटा फ्लो डायग्राम्स शोज अ फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस ऑन अ स्पेसिफिक सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास जो DFD होता है ना, इसको आपने देख लेना है कि डाटा फ्लो डायग्राम्स है, ये इसका एब्रीवेशन है। ये हमारे पास डाटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है जो कि डिफरेंट प्रोसेस के बीच में हो रहा होता है। इसके आपने टास्क को, ये इसके तीन टास्क हैं आपके पास, टास्क ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम आ सकता है। तो यहाँ पर है हमारे पास कि डाटा फ्लो जो है ना वो डाटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है जो कि डिफरेंट प्रोसेस के बीच में हो रहे होते हैं। इसके बाद जो डाटा फ्लो डायग्राम्स है ये सिंपल होता है और कम्प्लेक्सिटीज़ को हाइड करता है, यानी कि जो मुश्किल चीज़ें हैं उनको हाइड कर देता है और ये सिंपल चीज़ें जो है वो वाजह करता है।
डीएफडी जो है ये लिंक्स होते हैं प्रोसेसेस के बीच में जो कि इंफॉर्मेशन के फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाटा के फ्लो को, यहाँ पे इंफॉर्मेशन के फ्लो को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारे सर लिमिटेशन ऑफ डीएफडी है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि डीएफडी आर फोकस्ड ऑन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली। डीएफडी सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के फ्लो के ऊपर ही फोकस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सैम्पल्स स्टार्ट हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आएंगी, आपके शार्ट क्वेश्चंस में भी ये आएंगे। तो आप एक सैम्पल को एक नज़र देख लें कि जो डाटा फ्लो के लिए हमारे पास सैम्पल यूज़ होती है वो इस एरो की होती है, डाटा स्टोर के लिए जो हमारे पास सैम्पल यूज़ हो रही है वो इस तरीके की होती है। ठीक है, इस तरीके से बनी होती है डाटा स्टोर के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा सैम्पल्स हैं, इन सबको आपने याद करना है। प्रोसेसेस के लिए यूज़ हो रही होती है वो एक सर्कल होता है और इस तरीके से कर्व रेक्टेंगुलर हमारे पास होता है। डीएफडी भी होता है वो भी इस तरीके से आपके सामने है, यहाँ पर एक लाइन होती है और इसमें भी होती है, इसको हम डीएफडी बोलते हैं। सिर्फ आपने इनकी नाम याद करने हैं और इनकी शक्ल आपके जहन में होनी चाहिए। एक्सटर्नल एंटिटीज़ के लिए रेक्टेंगुलर होता है आपके पास, यहाँ पे आप स्टूडेंट डाटा सब कुछ लिखते हैं। कलेक्टर के लिए आपके पास ये चीज़ यूज़ हो रही होती है और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा आउटपुट्स मिल रहे, इनपुट्स मिल रहे होते हैं और आपका एक आउटपुट हो रहा होता है। सेपरेटर में यहाँ पे, यहाँ इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, अपने जहन में रखनी है। आप किसी भी कंसेप्ट से करें, ये देखें कलेक्टर में ये उल्टा डी है और यहाँ पे हमारे पास सेपरेटर में सीधा डी है और इस शेप को भी उल्टा किया हुआ है, यानी कि इसमें इसको एक इनपुट मिल रहा है और इसके तीन आउटपुट्स निकल रहे हैं यहाँ पर से। इसके बाद है हमारे पास रिंग सम ऑपरेटर, तो इसकी ये शेप है। एंड ऑपरेटर की बात की जाए तो यहाँ पर ये चीज़ें हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डीएफडी, ये शॉर्ट में आते हैं तो आपने इनके नाम को याद रखना है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, लेवल जीरो डायग्राम और डिटेल डायग्राम, ये तीन इसकी टाइप्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास हमारा लेक्चर नंबर 6, तो यहाँ पर है हमारे पास ये स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डाटा की डिक्शनरीज वगैरह ये इतनी आती नहीं है, आप नाम याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा डिक्शनरीज आपके पास आ सकती है, तो यहाँ पे आप इनके नाम याद कर लें, इंटीग्रेटेड होती है और दूसरी फ्री स्टैंडिंग होती है, ये दो इसकी टाइप्स हैं जिनको आपने याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास डाटा मॉडलिंग, डाटा मॉडल क्या होता है, डाटा मॉडल इज अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्ट यूज फॉर क्रिएटिंग डाटाबेस एंड प्रोड्यूसिंग डिजाइन फॉर द डाटाबेस। अब डाटा मॉडल जो होता है ना वो कलेक्शंस ऑफ प्रोडक्ट्स आप कह सकते हैं, कंपोनेंट्स कह सकते हैं, जो कि डाटाबेस को क्रिएट करते हैं और डेटाबेस के लिए डिज़ाइन को बना रहे होते हैं। अब ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो सकता है, मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, इंटीग्रेटेड कंस्ट्रेंट्स हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा मॉडल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल, अब यहाँ पे डाटा मॉडल की हमारे पास टाइप्स आ चुकी हैं, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ये इसके टाइप्स हैं। सिमेंटिक डाटा मॉडल, दीज आर द डाटा मॉडल विच प्रोवाइड अस बेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटिंग कंस्ट्रेंट्स, बेटर लैंग्वेज यूटिलिटीज एंड बेटर डाटा स्ट्रक्चर। इस ये सिमेंटिक डाटा मॉडल हमारे पास एक डिटेल में आ गया है जाके आने वाला है, तो आप सिंपल से यहाँ पे इसके देख लें कि ये डाटा का मॉडल होता है जो कि हमें फ्लेक्सीबिलिटी बेटर देता है। ठीक है, कंप्रोमाइज़ हम इस पर कर सकते हैं और इसके बाद लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी बेस्ट होती है और डाटा का स्ट्रक्चर भी इसमें बेटर होता है। यहाँ पे इसके आगे जाके दो आ जाती हैं इनकी टाइप्स, ईआर मॉडल है हमारे पास और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल आ जाता है। टाइप्स ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन की बात करें तो डेटाबेस डिज़ाइन की, यहाँ पे अब हम टाइप्स की बात करें, यहाँ पे टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल है, ये डाटा डिज़ाइन की टाइप्स हैं, आप इनके नाम याद कर सकते हैं, इनको सिर्फ नाम के आप याद करने के, कंसेप्शनल डेटाबेस डिज़ाइन, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। और हमारे 7 और 8 जो लेक्चर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको मिस नहीं करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, अगर आपको ये हैंड आउट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको मैं सेंड कर दूंगा ये हैंड आउट्स। हमारे पास आता है एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल, यहाँ पर आपने इसकी डिटेल तो आगे आ जाएगी, लेकिन एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल की मेन थिंग्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो एमसीक्यूज इसमें पूछे जाते हैं कि इट इज़ सिमेंटिंग डाटा मॉडल, ये एक सिमेंटिंग डाटा मॉडल होता है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंसेप्शनल डाटा बेस। ठीक है, इट इज़ अ सिमेंटिक डाटा मॉडल डेट इज़ यूज फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंसेप्शनल डाटा बेस, ये एक सिमेंटिक डाटा मॉडल होता है और ये किसी भी कंसेप्शनल डाटा बेस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। और इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये फ्लो ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट नहीं करता,
ये रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है सिर्फ कि इसमें कितनी एंटिटीज़ हैं, कितने एट्रीब्यूट्स हैं और कितने रिलेशनशिप्स हैं। इसके अंदर फ्लो ऑफ डाटा नहीं होता है। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्कीमेटिक डाटा मॉडल है और ये ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है किसी भी कंसेप्शनल डेटाबेस डिज़ाइन का। जहाँ पे हम आते हैं हमारे पास है कि एंटिटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, एंटिटी इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ईआर डाटा मॉडल। तो ये आपके पास एमसीक्यूज भी है कि जो एंटिटी है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी ईआर मॉडल का। इसकी नेक्स्ट थ्री टाइप्स हैं। अब एंटिटी होती क्या चीज़ है, एंटिटी किसी भी आप रियल ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं। ठीक है, रियल कोई भी रियल ऑब्जेक्ट एंटिटी हमारा कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास आती हैं तीन डिफरेंट टर्म्स हैं इसकी, एंटिटी टाइप, एंटिटी इंस्टेंस एंड एंटिटी सेट। अब एंटिटी टाइप क्या चीज़ होती है, द एंटिटी टाइप कैन बी डिफाइंड एज अ नेम असाइंड टू द आइटम डैट एग्जिस्ट इन एनवायरमेंट एंड डैट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, कुड बी पर्सन प्लेस। जो हमारे पास एंटिटी टाइप होती है ना, इसको हम इस तौर पे डिफाइन कर सकते हैं कि ये कोई किसी भी चीज़ का नेम होता है। ठीक है, किसी भी आइटम का, किसी भी ऑब्जेक्ट का ये नेम होता है जो कि इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है चीज़। ठीक है, जो अभी करंटली हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है चीज़, ये उस चीज़ का नाम होता है और इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं एंटिटी के, और ये कोई भी पर्सन हो सकता है और प्लेस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है, अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर एंटिटी टाइप। ठीक है, ये एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है जो कि सिर्फ पार्टिकुलर एंटिटी टाइप के साथ ही बिलोंग कर रहा होता है। इसकी डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें आएंगे तो लॉन्ग में जाने की नहीं इसमें ज़रूरत। यहाँ पे हमारे पास एंटिटी टाइप्स क्या है, प्रॉपर्टीज इंस्टेंस, ये इस तरीके से हम एंटिटी की टाइप लिखते हैं। एम्प्लॉय हमारे पास, और इसके आगे हम प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, इसके बाद हम इसका इंस्टेंट लिख देते हैं। तो ये आने वाले तो है नहीं पेपर में। एंटिटी सेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ यहाँ पे जो जब एंटिटी इंस्टेंस बनता है ना, तो इन सबको हम ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद हम इनको सिर्फ एक ही पार्टिकुलर एंटिटी टाइप देते हैं, अ ग्रुप ऑफ एंटिटी इंस्टेंसेस ऑफ अ पार्टिकुलर एंटिटी टाइप। तो इस चीज़ को हम एंटिटी सेट बोलते हैं। ये जितनी डेफिनेशन की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको लाजमी तौर पर याद रखना है। नेक्स्ट आती है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटी टाइप। तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास वीक एंटिटी टाइप। वीक एंटिटी टाइप जो होती है ना हमारे पास, ये हमारे पास होती है कि जो किसी दूसरी, ठीक है, किसी दूसरी एंटिटी टाइप के बगैर ये एग्जिस्ट ना कर सकें। अगर ये किसी दूसरी एंटिटी टाइप के साथ इंटरकनेक्ट नहीं होती हैं तो ये ज़िंदा नहीं रह सकती। ऐसी चीज़ों को हम वीक एंटिटी टाइप बोलते हैं। दूसरी चीज़ है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है हमारे पास। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंडिपेंडेंटली रह लेती हैं, इन्हें किसी दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये डेफिनेशन है, वीक एंटिटी टाइप और स्ट्रॉन्ग। वीक जो है वो किसी के साथ इंटरकनेक्ट के बगैर नहीं रह सकती, और जो स्ट्रॉन्ग होती है ये इंडिपेंडेंट होती है और ये अकेली रह सकती है। यहाँ पे हमारे पास सैम्पल्स हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप के लिए हम एक बॉक्स को यूज़ करते हैं और वीक एंटिटी टाइप के लिए हम डबल बॉक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटायर ऑब्जेक्ट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आर क्वालिटी ऑफ इंस्टेंस ऑफ दैट एंटायर टाइप। इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट आएगी, जो आप देखेंगे वो काफ़ी ईजी है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो एट्रीब्यूट होता है ना, वो किसी भी एंटिटी टाइप की प्रॉपर्टी और उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा होता है। किसी भी एंटिटी टाइप की क्वालिटी और उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा होता है हमारा एट्रीब्यूट। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। शार्ट में आएगा आपके पास सिंपल और कंपोजिट, सिंगल वैल्यू और मल्टी वैल्यूड, स्टोर और ड्राइव। तो ये हमारे पास तीन हमारे पास इसकी टाइप्स हैं एट्रीब्यूट की, सिंपल और कंपोजिट, सिंगल वैल्यू और मल्टी वैल्यूड और स्टोर और ड्राइव। ये बाकी थ्योरी अगर आप रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सैम्पल्स हमारे पास एट्रीब्यूट्स के सैम्पल्स बनाए गए हैं कि अगर हमारे पास सिंपल सिंपल हमारे पास होगा एट्रीब्यूट तो उसके लिए एक सादा ओवल यूज़ होगा। कंपोजिट होगा तो हमारे पास यहाँ पे तीन ओवल्स यूज़ हो रहे हैं। मल्टी वैल्यू होगा तो यहाँ पे डबल ओवल्स होगा। ड्राइव्ड होगा तो यहाँ पे हमारे पास डॉटेड ओवल यूज़ हो रहा है। तो आपने इनकी डायग्राम्स को याद रखना है, ये आपके एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये देख लें, एग्जाम्पल देख लें। अब आपको यहाँ पर सिर्फ देखना पड़ जाए कि इसमें सिंपल कौन सा है और मल्टी बेस कौन सा है, कंपोजिट कौन सा है, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, आप सिंपल को देख लें, ये हमारे पास आपसे वो पूछ सकते हैं इस तरह डायग्राम देख के, और आपसे ये पूछेंगे कि सिंपल, कंपोजिट और ये इसमें कौन कौन से हैं, डॉटेड, ये सारी चीज़ें। तो
अगर आपसे पूछ लें कि सिंपल कौन सा है, तो ये देखें कि एक लिंक है इसके साथ, तो ये हमारे पास सिंपल आ जाता है। ये देखें ये यहाँ पर से तीन के साथ इंटर प्रोडक्ट है, कंपोजिट है हमारे पास, ये डबल है, मल्टी वैल्यूड था ये मल्टी वैल्यूड है हमारे पास, और ये ड्राइव्ड है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें अपने लेक्चर नंबर 8 को। यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट की डेफिनेशन आ गई है। एट्रीब्यूट आर डाटा ऑब्जेक्ट्स दैट ईदर आइडेंटिफाई आर डिस्क्राइब एंटिटीज। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं हमारे पास, वो एक डाटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि किसी भी एंटिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सुपर कीज़। आपसे पूछ सकते हैं कि राइट एनी 5 सुपर कीज़, तो आपको उनके नाम आने चाहिए, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, एट्रीब्यूट। यहाँ पे हमारे पास सुपर की जो होती है, इनके आप नाम देख सकते हैं, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, सेकेंडरी की, फॉरन की। सुपर की जो हमारे पास होती है, ये मोस्ट जनरल टाइप होती है की की, ये आपके पास एमसीक्यूज है कि जनरल टाइप कौन सी होती है की की, तो वो सुपर की होती है। नेक्स्ट हमारे पास कैंडिडेट की कौन सी होती है, अ की, सुपर की फॉर विच नो सबसेट इज अ प्रॉपर की, इज अ सुपर की, डिस्कार्ड कैंडिडेट की। ये ऐसी सुपर की होती है जिसके पास कोई भी सबसेट नहीं होता है, तो इसको हम कैंडिडेट की बोलते हैं। प्राइमरी की कौन सी होती है, कैंडिडेट की चूजन बाय अ डेटाबेस डिजाइनर टू एक्ट एज अ की। ये प्राइमरी की वो होती है जो कि हमारा कैंडिडेट जो है ना, वो चूज़ कर लेता है कि ये मेरा डेटाबेस डिज़ाइनर जो है ना, इसको प्राइमरी की के तौर पे यूज़ करेगा, ठीक है, इसको की के तौर पे यूज़ करेगा, तो इसको हम प्राइमरी की कहते हैं। और जो अल्टरनेट की होती हैं, जो कैंडिडेट एक तो प्राइमरी की चूज़ कर लेता है, बाकी जो बच जाती हैं उसको हम अल्टरनेट कीज़ कहते हैं। और यहाँ पे हमने पढ़ना है रिलेशनशिप के बारे में। आ रिलेशनशिप इज एनी एसोसिएटेड लिंकेज आर कनेक्शन बिटवीन द एंटिटीज ऑफ इंटरेस्ट टू द बिजनेस। अब जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है, ये लिंकेज होती है या कनेक्शन, आप कह लें कि हमारा रिलेशनशिप जो होता है वो कनेक्शन होता है एंटिटीज़ के बीच में और बिजनेस के एरा के अंदर ना, यानी कि ये कनेक्शन होता है एंटिटीज़ के बीच में। एंटिटीज़ क्या चीज़ होती हैं, जो रियल में कोई भी चीज़ मौजूद हो, ठीक है, एक स्टूडेंट हो सकता है, एक वर्कर हो सकता है, जो चीज़ रेल में मौजूद हो उसको हम एंटिटी कहते हैं। तो रिलेशनशिप जो हमारा होता है, ये कनेक्शन होता है उन काफ़ी ज़्यादा एंटिटीज़ का। और ये अगर आपको हाईलाइटेड हैंड आउट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ये सारे हाईलाइटेड हैंड आउट्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड की हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सैम्पल्स फॉर रिलेशनशिप, तो यहाँ पे शोन एज अ डायमंड, ये देखिए हमारे पास डायमंड में, तो इसके कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कि डायमंड इज डबल, डायमंड जो है हमारा डबल हो जाएगा इफ़ वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इज डिपेंडेड ऑन द अदर। ये वाला हमारा जो डायमंड है, ये डबल हो जाएगा अगर इसका पार्टिसिपेंट जो है वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाए, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड बाई कंटिन्यूस लाइन्स, हमारे ये जो देखते हैं पार्टिसिपेंट्स जो हैं, ये कंटिन्यूस लाइन्स के साथ, ठीक है, कंटिन्यूस लाइन्स के साथ ये जो है ये लेबल किए हुए हैं और कार्डिनलिटी ये डिफाइंड है। और यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेंट्स इज इंडिकेटेड बाय डबल लाइंस, तो हमारे पास जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं ये डबल लाइंस के साथ कनेक्ट किए गए हैं। तो इनमें से आप दो या तीन जो है वो रीड कर सकते हैं, आपसे आपके पास सैम्पल्स फॉर रिलेशनशिप आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनरी रिलेशनशिप, एन एंटिटी टाइप लिंक विद इटसेल्फ। हमारे पास यूनरी कौन सी होती है, कि एक ऐसी एंटिटी की टाइप जो सिर्फ एक ही से लिंक हो। यूनरी, बाइनरी, ये चीज़ें हमने पहले भी काफ़ी पढ़ी हैं, तो यूनरी हमारे पास सिर्फ एक होता है, ठीक है, ऐसी एंटिटी टाइप जो सिर्फ खुद से ही लिंक हो। ये हमने देखा यहाँ पे, ये देखें ये खुद से ही लिंक है, एक एंटिटी टाइप है और ये खुद से ही लिंक की हुई है, रूममेट आप इसे कह सकते हैं। तो एन एंटिटी टाइप लिंक विद इट्सेल्फ इज कॉल्ड यूनरी रिलेशन, और यहाँ पे रिकर्सिव रिलेशनशिप भी लिखा हुआ है। बाइनरी हमारे पास क्या होती है, अब बाइनरी रिलेशनशिप इज वन डैट लिंक टू एंटिटीज। बाइनरी का जो रिलेशनशिप होता है ना, ये दो एंटिटीज के बीच में होता है। अब स्टूडेंट और क्लास के बीच में हो सकता है, ये देखें स्टूडेंट और क्लास यहाँ पे दो है, यहाँ पे सिर्फ एक ही था, पर्सन था जिसे आप कह सकते थे, या यहाँ पे स्टूडेंट था, यहाँ पे दूसरा कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है, एक स्टूडेंट है, एक क्लास है, इन इसके बीच में बाइनरी का रिलेशन है। इसके बाद हमारे पास टर्नरी, अ टर्नरी रिलेशन इज वन डैट इन्वॉल्व थ्री एंटिटीज। हमारे पास जो टर्नरी का रिलेशनशिप होता है, ये तीन एंटिटीज के बीच में होता है, ठीक है, 1 2 3, ये आप देखें ये तीन के बीच में इसका रिलेशनशिप हो रहा है यहाँ पे। और एनरी रिलेशनशिप होता है, इसमें होता है कि लिंक इज एनी नंबर ऑफ एंटिटीज, वैसा कभी होता है कि तीन से भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जितनी मर्जी हो जाए, देन हम इसको कहेंगे एन आर ए,
रिलेशनशिप, ठीक है, एन एरे रिलेशनशिप इसको हम बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसके ये जो डायग्राम्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज़ में अक्सर आई होती हैं। ऑप्शनल वन की डायग्राम इस तरीके से है, ठीक है, मैंडेटरी वन की जो है इस तरीके से है, ऑप्शनल मैनी की इस तरीके से है, और मैंडेटरी मैनी की इस तरीके से है। तो अब ये रटा लगाने वाली बात है, इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं, बस आपने अपने जहन में रखा है कि इस तरीके से आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास वन टू वन मैपिंग, अ मैपिंग आर फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ वन टू वन इफ ईच एंटिटी इन एक्स इज एसोसिएटेड विद एट मोस्ट वन एंटिटी इन वाई एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि जो वन टू वन हमारे पास मैपिंग होती है ना, अगर आपके पास एक्स और वाई दो कंपोनेंट्स हैं, तो आपके जितने, अगर आपका कम से कम एक जो एक्स का एंटिटी है, ठीक है, वो वाई के एंटिटी में मौजूद होना चाहिए, या इसके उलट आप कह सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास मैनी टू मै वन होता है, मैनी टू वन की बात हो रही है, मैपिंग आर फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ मैनी टू वन इफ ईच एंटिटी इन एक्स इज एसोसिएटेड विद एट मोस्ट वन एंटिटी इन वाई, बट ईच एंटिटी इन वाई इज एसोसिएटेड विद मैनी एंटिटीज इन एक्स। यहाँ पर पहला तो वही चीज़ है कि अगर जो हमारी एक्स की एक एंटिटी है वो वाई के साथ तो इंटरकोनेक्ट हो, लेकिन यहाँ पे है कि वाई, ठीक है, वाई की बहुत कम से कम एक एंटिटी जो वाई की है वो एक्स की बहुत ज़्यादा एंटिटीज के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वन टू मैनी आ गया। अ मैपिंग आर फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ वन टू मैनी इफ ईच एंटिटी इन एक्स, यानी कि एक्स की एक एंटिटी हो जो कि बहुत ज़्यादा एंटिटीज वाई के साथ कनेक्ट हो, लेकिन यहाँ पे एक एंटिटी वाई की होनी चाहिए जो सिर्फ एक ही एक्स की एंटिटी के साथ एसोसिएटेड हो। उसके बाद आ जाता है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में क्या होगा कि अगर एक एंटिटी आपकी एक्स की, ठीक है, वाई की बहुत ज़्यादा एंटिटीज के साथ इंटरकनेक्ट है, देन एक एंटिटी वाई की भी एक्स की भी बहुत ज़्यादा एंटिटीज के साथ होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख लें मैनी टू मैनी, आपने लास्ट पर से यहाँ पर जाके देखना है मैनी टू मैनी, तो यहाँ पर भी मैनी होगी। वन टू मैनी होगा तो यहाँ पर सिर्फ वन एंटिटी एक्स में आएगी, ठीक है। मैनी टू वन मैपिंग आ गया तो मैनी यहाँ पे लास्ट पे, यहाँ पे भी मैनी लास्ट पे होगा, वन आ गया तो ये तो है ही वन टू वन। तो अपने इस तरीके से कंसेप्ट के साथ इसको अपने जहन में रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 10, इसको हम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा हैं सैम्पल्स, ठीक है, इसमें सिर्फ सैम्पल्स हैं जो करने वाली हैं। अब वन टू मैनी रिलेशनशिप के जो होते हैं हमारे पास, उसकी ये सैम्पल होती है ये वाली, ठीक है, ये डायमंड बना हुआ है, इसकी इस तरीके से होती है। हमारे पास मैनी टू वन होता है जिसको हम मैंडेटरी बोलते हैं, ऊपर भी हमने पढ़ा हुआ है, अब इसकी इस तरीके से होती है। देन है मैनी टू मैनी ऑप्शनल, देन इसकी इस तरीके से होती है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, बस आपने रट्टा लगाना है, अपने जहन में बैठाना है कि इसमें कोई एक ऐसी बेसिक चीज़ इसमें देख लिया करेंगे जो आपको याद रहे। देन नेक्स्ट है मैनी टू वन, तो इसकी इस तरीके से हमारे पास बनी हुई है। यहाँ पे हम कह सकते हैं वन टू मैनी, ये मैनी का साइन है और ये वन का है, वन टू मैनी। तो ये वाला सैम्पल आप दो सैम्पल्स को याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसकी दूसरी टाइप्स भी आ गए हैं, ठीक है, हम इनको इसी इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास लिखे हुए हैं। देन उसके बाद हम इनको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी ये टाइप्स हैं। रोल्स इन रिलेशनशिप, द वे एन एंटिटी इज इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड द रोल ऑफ एंटिटी इन द रिलेशनशिप। इसको हम कर लेते हैं हाईलाइट। हमारे पास जो रोल होता है किसी भी रिलेशनशिप का, एक वो रास्ता जिसमें एक एंटिटी जो है वो रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व हुई थी, ठीक है, वो रास्ता जिसमें एंटिटी जो है हमारे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुई थी, इसको हम बोलते हैं रोल ऑफ द एंटिटी। ये डेफिनेशन क्या है आपकी?